दोस्तों, दुनिया के हर एक खेल में किसी भी टीम का हर एक खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के लिए ही खेलता है, ना कि अपने लिए। अपना प्रदर्शन कैसा भी रहे, उस पर ध्यान देने के बजाय हर एक खिलाड़ी को टीम के प्रदर्शन पर ध्यान देना होता है। हालांकि इसके साथ साथ सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन भी बेहतर कर पाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान दिए बगैर। क्रिकेट के खेल में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई खिलाड़ियों ने टीम के प्रदर्शन पर ध्यान न देते हुए अपने प्रदर्शन पर ध्यान दिया है, चाहे वे अपना शतक पूरा करने के चक्कर में हो या फिर कोई और बात हो। लेकिन ये तो साफ है कि उस पारी को खेलने के बाद उन्हें दर्शकों ने स्वार्थी तक कह दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी आज हम आपको विश्व क्रिकेट इतिहास की 5 ऐसी ही पारियों के बारे में बताएंगे जब शायद खिलाड़ियों ने टीम के बजाय अपने लिए खेला था। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे। गावस्कर का नाम दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाजों में भी गिना जाता है, लेकिन साल 1975 के वर्ल्ड कप में उन्होंने एक ऐसी पारी खेली थी जिसकी वजह से वे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, और इसी पारी के लिए उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दरअसल साल 1975 के वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर ने अपने करियर की सबसे खराब पारी खेली थी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 334 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। भारत की तरफ से गावस्कर ने 174 गेंद खेलते हुए सिर्फ 36 रन की ही पारी खेली थी। उनकी इस पारी की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। डेविड वार्नर। दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर का नाम भी इस सूची में शामिल है। वार्नर ने सीबी सीरीज के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 140 गेंदों पर मात्र 100 रन की पारी खेली थी। उनकी इसी पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 272 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने आसानी से यह मैच जीत लिया था। उनकी इसी पारी की वजह से आलोचकों ने उन पर सवाल उठा दिए थे कि उन्होंने खुद के लिए पारी खेली है। माइकल वेंडोर्ट। माइकल वेंडोर्ट ने श्रीलंका के लिए सिर्फ एक ही मैच खेला, लेकिन इस मैच में वो अपनी पारी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 316 रन का स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 11 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे माइकल वेंडोर्ट ने 117 गेंदों पर सिर्फ 47 रन की ही पारी खेली। उनकी इसी पारी की जैसे श्रीलंका को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। सचिन तेंदुलकर। सचिन ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इस मैच में सचिन ने शतक के लिए बेहद धीमी पारी खेली थी, जिसके बाद भारत को बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। सचिन ने इस पारी में 138 गेंदें खेली थी। उनकी इसी पारी की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। जेक केलिस। वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन का स्कोर खड़ा किया। इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी बेहद शानदार रही। अफ्रीका ने सिर्फ 20 ओवर में 160 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद केलिस ने 63 गेंदों पर सिर्फ 48 रन की पारी खेली, और उनकी इस पारी की वजह से ही अफ्रीका को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था।